एक बात मुझे बताइए, मैं आ रही हूँ विनोद सर, उसके बाद आपका सवाल लूंगी। अभी वो हम सशक्त क्रांति की जो बात कह रहे थे, जिसको आपने कहा कि साहब उसे शायद भुला दिया गया आजादी के आंदोलन में, और हमने माफी वीर की बात की जिसको लेकर आलोचना सावरकर माफी वीर नहीं थे, ठीक है जी, बिल्कुल, जिसको लेकर आलोचना वीर सावरकर की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने एक उदाहरण भगत सिंह का भी है, जो तो मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। तो क्या सावरकर का रोल जब आपने किया और उनके बारे में इतनी रिसर्च की, वहाँ काला पानी में जाकर जो सजा उनको दी गई थी, वो डर गए थे इस वजह से फिर वो माफी वाला प्रोसेस उन्होंने अपना, भगत सिंह ने तो नहीं अपनाया, वो तो फांसी पर ही चढ़ गए। देखिए, भगत सिंह को ब्रिटिशर्स ने भी एक्सेप्ट किया था कि भगत सिंह को फांसी देना गलत था, उनको कारावास में ही रखा जाता। अगर सावरकर जी को फांसी हो जाती उस वक्त, तो वो बहुत बड़े मार्टर बन जाते, बहुत बड़े शहीद बन जाते, और ब्रिटिशर ये नहीं चाहते थे। वासुदेव फाड़के ने 1870 में भी ऐसे ही किया था, ब्रिटिशर ने उनको फांसी नहीं दी, उनको यमन ले गए, कई साल वहाँ रखा और चुपके से फांसी दी। तो अब आपको एक दो चीज़ें हैं आपके सामने, एक आपको लगने वाली है फांसी, हाँ जी, और एक आपको है 50 साल ये 7x11 की सेल में काटने हैं, फांसी नहीं दी जाएगी आपको। तो आप वहां से 50 साल, वो कोई रिजॉर्ट थोड़ी है कि वहां 50 साल आप वहां पे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। सही। तो आप क्या करेंगे? आप जुडिशियल प्रोसेस से, और सावरकर जी खुद वकील थे, उन्होंने खुद अपनी याचिकाएं बेल प्लीज बनाई, और अपनी ही नहीं, बहुत सारे क्रांतिकारियों की जो काला पानी में बंद थे उनकी भी लिए भी लिखा उन्होंने, और हर एक याचिका में वो लिखते थे इफ रिलीजिंग मी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन दिस जेस्चर ऑफ जेनरोसिटी एंड गुडविल I may be exempted from it. तो उनका ये मानना था कि वो एक तो इंटेलेक्चुअल जायंट थे, उन्होंने काला पानी में 6000 कविताएं लिखी दीवार पे, वो मिटाई जाती थी, वो और लिखते थे, वो भी पत्थर से, और उनको याद करके उन्होंने बाद में उनको लिखा। तो ही वॉज डाइंग, ही वॉज सच अ बिग इंटेलेक्ट दैट ही फेल्ट, उनको लगा कि मैं यहाँ इस जेल में वेस्ट हो रहा हूँ, मैं देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए उनको तो देश सेवा के भाव के लिए वो भगत सिंह जी ने अपने लिए। विनोद जी आइए अगला सवाल से। अभी पहले तो मैं भी आपके अभिनय का बहुत प्रशंसक हूँ, कायल हूँ, अभी कई फिल्में मैंने देखी है और बहुत पसंद करता हूँ एक्टर के रूप में आपको। सावरकर जी पर जो बहस है उस पर हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मंच भी नहीं है उस बहस का, एकेडमिक बहस का, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। बस एक सवाल है मेरा, सशस्त्र संघर्ष के भारत में सबसे बड़े प्रतीक सुभाष चंद्र बोस माने गए, उन्होंने आजाद हिंद फौज बना करके पूरा ब्रिटिश पर, उतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया, बिल्कुल, ना सावरकर ने ना भगत सिंह ने, इनके संगठन छोटे थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्यों सावरकर थे, जब जिस वक्त वो सेना लेकर के आ रहे थे और सावरकर जी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, इस पर गौर किया कभी इस फिल्म में? देखिए, ये बिल्कुल गौर किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था, सावरकर जी सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ नहीं थे, इनफैक्ट उनको ये नेताजी कलकत्ता में जाके अंग्रेजों के पुतले जलाने के प्लान में थे और जेल जाने के प्लान में थे। सावरकर ने बोला भाई क्रांतिकारियों की जगह जेल में नहीं है, आप जर्मनी जाके अपनी गवर्नमेंट घोषित कीजिए और जापान और जर्मनी के आधुनिक हथियारों से अंग्रेजों पे हमला कीजिए। दूसरी ओर वो क्या कर रहे थे, वो इंकरेज कर रहे थे भारतीयों को सशस्त्र होने में, जाके ट्रेनिंग लो, ऑफिसर बनो, काम सीखो, वेपन्स चलाना सीखो, फिर वक्त बताएगा कि इस बंदूक की नली किस ओर घुमानी है। 1857 में सर पूरे देश को निहत्ता कर दिया गया था, उसके बाद जब ये लोगों ने शस्त्र उठाने शुरू किए, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं थी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी जी। उन्होंने इनफैक्ट जब वाइसरॉय के साथ मीटिंग हुई थी तो उन्होंने यही पॉइंट रखे थे, जब सब कह रहे थे इन अंग्रेजों का साथ दें या ना दें, फौज तो दोनों साइड से लड़ रही थी, हिंदुस्तानी आजाद हिंद फौज से भी लड़ रहे थे और ब्रिटिश फोर्सेस से भी लड़ रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त ये बोला था कि आप वेपन्स यहाँ बनाओ, हमारे इंडियंस को ऑफिसर्स की तरह ट्रेन करो, ताकि हम जब आप जाओगे तो हम आर्म्ड नेशन होंगे। उनका बहुत वो था कि हम एक सशस्त्र नेशन हो, क्योंकि पीस तभी हो सकती है जब आपके पास भी शस्त्र हैं, दूसरा आदमी आपसे पंगा नहीं लेगा। तो दोनों आप नेताजी और उनकी बात कर रहे थे, तो नेताजी के वो पक्ष में थे। और उस वक्त की अगर आप बात देखें सर, माहौल बदलते रहते थे, गांधी जी भी नेताजी के अगेंस्ट थे, कभी ये उनके अगेंस्ट थे, तो जिन्ना जी पहले खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट थे, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग में लीडरशिप में पाकिस्तान बनाया, तो वो पूरा हिस्ट्री ग्रे और ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। पर ये बिल्कुल गलत मानना है कि सावरकर जी
सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट अंग्रेजी फौज में हिंदुस्तानियों को रिक्रूट कर रहे थे? नहीं, वो हिंदुस्तानियों को सशस्त्र ट्रेनिंग के लिए। मैं रामकृपाल सर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, आपने फिल्म पूरी की है, मतलब आप इसे समप दर्शकों के लिए किस रूप में करेंगे? मतलब सावरकर ये एक जीवन है या फिर सावरकर एक जीवन काल में कई जिंदगी? एक जीवन काल में कई जिंदगी है, क्योंकि हर एक आदमी अलग जिंदगी के अलग अलग पहलू में एक उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और बदलते सर्कमस्टेंसेस के साथ अडेप्ट करते हुए करता रहता है। ये पिक्चर अगर आपको मैं कहूँ तो ये सशस्त्र क्रांति की पिक्चर है, और उसके अंदर वीर सावरकर का क्या योगदान था, जो कि उनका सबसे बड़ा योगदान था, उनके आइडियाज़, उन्होंने परसेप्शन जो बदली कि 1857 बगावत नहीं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वो किताब HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकल एसोसिएशन, जिसके चंद्रशेखर आज़ाद हेड थे, जिसमें भगत सिंह थे, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने किताब नहीं पढ़ी थी तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती थी। सही। आज़ाद हिंद फौज में भी आपको जूते दिए जाते थे, बंदूक दी जाती थी, फ्लीट दिए जाते थे, और ये किताब दी जाती थी। अच्छा, ये इतनी बड़ी प्रेरणा थी, और इस किताब को कोई जानता ही नहीं है, ये बहुत बड़ी ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। ABP News, आपको रखे आगे।